बिल बिल के पक्ष में पड़े 215 वोट और बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल, उसके बाद कानून बनेगा। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को 2029 के चुनाव से पहले कोशिश रहेगी कि लागू कर दिया जाए, क्योंकि पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, एक लंबी प्रक्रिया है। और चलिए तमाम सारी अपडेट के साथ में और अलग अलग जिलों में क्या कुछ इस बिल को लेकर रिएक्शन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, बहराइच से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा ओमवीर भी हमारे साथ है, बदायूं से जुड़े हुए हैं, आरबी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अक्षय आपके पास आएंगे, क्योंकि लोकसभा के बाद कल राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। अब महिलाओं की इसमें बड़ी जीत भी मानी जा रही, महिलाएं हर तरफ खुश हैं क्योंकि उनकी भागीदारी अब राजनीति में बढ़ने वाली है। लेकिन जो ग्राउंड की बात करें, जो शहर की महिलाएं हैं या फिर ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं, इस बिल को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है? और बिल्कुल जरीन, देखिए 27 साल हो गए हैं ये बिल जब सामने आया था 1996 में 12 सितंबर को इस बिल को पेश किया गया था संसद में, जिसके बाद में अब जाकर ये बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है। आगे जैसा कि आपने बताया कि परसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा, जिसके लिए जनगणना भी होनी है। इस बिल को लेकर तमाम महिलाएं हमारे साथ में है, उनके अंदर खुशी की लहर है, वो सरकार को धन्यवाद देना चाहती है। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या कहना वो चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा शर्मा है, क्या कहना चाहती हैं अभी जो बिल पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, महिलाओं के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि 33% आरक्षण का मतलब है कि हर विधानसभा या संसद स्टेट में सभी स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी हैं मेरे साथ, धीरेन्द्र, देखिए मैं बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस बिल को? 20 सितम्बर को जो नारी शक्ति बिल लागू हुआ है 33% आरक्षण का, उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक लोग और है, क्या नाम है आपका? समाज सेविका ज्योति जी, क्या कहना चाहेंगे बिल पास हुआ है अभी राज्यसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जैसे की आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी नीतियाँ होती है उससे हम खुशा है, किसी न किसी को जरूर फायदा होता है, लेकिन इस बार स्पेशली उन्होंने लेडीज के लिए जो 33% आरक्षण दी है उससे हम सबको बहुत बहुत ठीक है। अच्छा, यानी कि महिलाएं काफी खुश हैं क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद 27 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। उम्मीद आपके पास आएंगे, वहां पर महिलाओं का क्या कुछ सोचना है इस बिल को लेकर, 33% आरक्षण को लेकर? हालांकि अभी समय लगेगा, जनगणना होगी, परिसीमन होगा और 2029 तक माना जा रहा है कि ये लागू होगा, लेकिन क्या कुछ सोचना है शहरी क्षेत्र की महिलाओं का, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस बिल को लेकर? जी, बधाइयों में महिलाएं काफी एक्साइटेड हैं और महिलाओं का सोचना है कि वो इस बिल के द्वारा लोकसभा में भी जा सकती हैं और प्रधानमंत्री के पद तक जा सकती हैं। हालांकि बधाइयों काफी समय से ऐसा रहा है कि जहां विधायक और सांसद महिलाएं रही हैं, लेकिन महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं मैं उनसे मिल पाता हूँ। जी, तुम नाम क्या है, क्या लगता है? लोकसभा में महिलाएं अब अच्छा चलता है, चला रही है हमारी बधाइयों की सांसद है सुमित्रा मौर्य, वो काफी अच्छे कार्य कर रही है। हम मेरी दादागंज सिटी में है, राजगंज जो नगर पालिका करते हैं वो भी एक महिला है और हमारे सभा सब महिला है, सांसद को नाम मिला थी। जी, हमारे साथ दूसरी महिला भी है, क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बिल को पास होने से महिलाओं की प्रगति होगी राजनीति में? तो पहले उनके
जी, ये महिलाओं का बदायूं से सोचना था। ठीक है उम्मीद, यानी कि महिलाएं इस बिल के पास होने से काफी ज्यादा खुश हैं और उनका मानना है कि भागीदारी राजनीति में उनकी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आरबी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी, वहां की महिलाओं का क्या कुछ सोचना है इस बिल को लेकर? हालांकि लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद किस तरह से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है? जी धीरेन जी, आपको बता दूं 27 साल बाद ये बिल आया है, महिला आरक्षण बिल, उसको लेकर के पूरे देश में महिलाएं सम्मान कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं इस बिल का। वहीं आपको बता दें, एक लंबे समय के अंतराल में जो बिल आया है उसको लेकर के एटा की महिलाएं क्या सोचती हैं, या मेरे साथ में आप देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, ये समाज सेविकाएं कहीं जो अपना अपने क्षेत्र में काम करती हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से वो महिला आरक्षण बिल को लेकर के क्या सोचती हैं। डॉली जी, आप एक समाज सेविका हैं, इस तरीके से जो मोदी जी ने जो महिला आरक्षण बिल लेके आए इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? ये मोदी जी जो आरक्षण बिल लेके आए, हम सभी महिलाएं उनका चहे दिल से अभिनंदन और वंदन करते हैं कि ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में, आज हम मातृशक्ति को आत्मबल आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि 2024 में हमारी पूरी मातृशक्ति पूरे बल के साथ में मोदी जी को लाके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में 2024 में हमारे प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, ये हमारा वादा है। अर्चना जी, जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी राजनीति को लेकर होती थी, तो महिलाओं को ज्यादा इसमें मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं के बारे में आगे बढ़ाने की कोशिश करी है उन्होंने, और महिलाएं बड़े आत्मसम्मान के साथ। मेरे साथ में और एक महिला है जो बहुत समाज सेविका है, क्या नाम है आपका? नीतू चौहान। क्या क्या कहेंगे आप? क्या मोदी जी बहुत अच्छे हैं, इसके आने से हम ठीक है। आरबी द्विवेदी जी, चूंकि समय कम है, ओमवीर और अक्षय, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है, अलग अलग शहरों से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महिलाएं काफी ज्यादा खुश है क्योंकि लंबे अरसे के बाद ये बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है। फिलहाल खबरें लगातार जारी, लेकिन वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।